आप सभी का एक बार पुनः मैं अपने इस चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने एक ऐसी सीरीज स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्री की क्लास टेंथ के लिए, स्पेशली फॉर क्लास टेंथ डिज़ाइंड है। और ऐसे क्वेश्चंस को मैं चूज़ कर रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट है। मैक्सिमम मीन्स कहने का 99% to 100% चांसेस होते हैं सेम पैटर्न के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे होते हैं। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट 2010 टू 2021 तक मैंने एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया है, देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो 10 सालों के अपने इस एक्सपीरियंस में मैंने इन चीज़ों को देखा है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो सिमिलर बना आता है। ठीक है, तो इससे बच्चों को कहीं भी नहीं घबराना है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करता है। कभी मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आता है, कभी इजी लेवल का आता है, कभी थोड़ा सा डिफिकल्टी इसको टच कर रहा होता है, बट मैक्सिमम डिफिकल्टी नहीं होता है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, डिफिकल्टी इसको टच करता है, डिफिकल्ट तक जाता है, डिफिकल्ट होता नहीं है। अब डिफिकल्ट तक जाने का सेंस ये है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके डाउट्स ही नहीं क्लियर हो पाते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कि हम किन मेथड को यूज़ करें। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो उन सभी कंफ्यूजन को मैं टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। देखना कि आप इस टॉपिक को पूरी ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही कंप्लीट करोगे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम को जब मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा, जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आपके 2021 के पैटर्न पर या 19, 20, 18 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको जब सॉल्व कराऊंगा, तो आपको लगेगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बोर्ड पर करा चुके हैं, सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चंस यहाँ पर भी है। तो आपको लगेगा कि ठीक है, वही चीज़ें हो रही हैं जो हम यहाँ बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। तो ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर ये चीज़ें नहीं क्लियर हुई, कोचिंग में किसी वजह से पूछ नहीं पाते हैं, तो मैं उन सब डाउट को क्लियर कर रहा हूँ। तो आप सब ज़रूर फिर से एक बार क्या करिएगा कि वीडियो को इतनी बातें सुनने के बाद अगर देखिएगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ बोल देना कि सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहेगा और आप लोग वीडियो को देखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर शेयर कर दे, कहीं ना कहीं किसी को तो हेल्प मिलेगी, किसी बच्चे को हेल्प मिल रही होगी, किसी एक ऐसे छात्र को हेल्प मिल रही है जो किसी वजह से किसी ऐसे संस्थान में नहीं पढ़ पाया होगा जहां पर उसको एक अच्छे टीचर मिल सकें। ज़रूरी नहीं कि हर जगह सिमिलर टीचर ही होते हैं, सेम थिंकिंग के ही टीचर होते हैं, कहीं भी बहुत अच्छी क्वालिटी टीचर प्रोवाइड कर पाते हैं, कहीं पर उससे ब्लो आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से वर्क कर रहा है। देखिए, टीचर में कमी नहीं होती, कि टीचर किस तरह से वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, वर्क करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, इस बात पे भी निर्भर करता है कि छात्र को कितना आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 6th लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, 5th लेक्चर तक हमने कम्प्लीट कर लिया है। तो आज 6th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट ना। तो बेसिकली आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 6, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 6, लेक्चर 6। फर्स्ट टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफिनेशन, सबसे पहले डिफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ
देयर सम इज 90 डिग्री. इफ देयर सम इज 90 डिग्री. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. आपसे कोई इस टाइप से पूछे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए तो आपका रिजल्ट होगा 90 डिग्री माइनस एंगल बी. कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री माइनस ए. इसकी हिंदी की बात करें तो एक है कोटिपूरक कोण, ठीक है. सप्लीमेंट्री संपूरक होता है. क्लास इलेवेंथ में आप उसे डिस्कस करेंगे. हम क्लास इलेवेंथ में जब ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है क्वाड्रेंट के सेकंड क्वाड्रेंट से हम डिस्कस कर रहे होते हैं. तो सेकंड क्वाड्रेंट मूव करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट ना. तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट ना. ओरिजिन ओ, एक्स एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश. क्लियर, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई. बहुत गर्मी है भाई आज तो. फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री से ग्रेटर होता है थीटा और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है, राइट ना. तो यहाँ तो 0 डिग्री की इक्वल भी कर लो, करेक्ट. कोई डाउट यहाँ पर नहीं है ना, ठीक है. दिख रहा है कि नहीं? हाँ यार, क्योंकि एकदम पास बोर्ड में रहते हैं ना तो देखने में बड़ी समस्या होती है. अब मुझे एकदम ऐसे झुक के देखना पड़ता है. चलो ओके. तो बेसिकली अभी ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ में डीपली इसे हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए हम ओनली फार्मूलों को डिस्कस कर रहे हैं कि इनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं डिस्कस कर लेंगे, देन प्रॉब्लम्स में उसको अप्लाई करना आपको सिखा देंगे, ठीक है. चूँकि अभी एक क्रैश कोर्स चल रहा है, अगर मैं उन चीज़ों को डिस्कस करूँगा, इन पूरे क्वाड्रेंट को डिस्कस कर रहा हूँ, हर पार्ट को डिस्कस करूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और यूज़फुल भी नहीं है ना. आपको एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, राइट. नोट डाउन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. थ्योरम आर स्टेटमेंट, चलिए एक थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं. इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल दिस इज थीटा लेस देन 90 डिग्री. बेटा एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई एक्सिस एंड वाई डैश, यू नो दैट एक्स एक्सिस 0 डिग्री एंड 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, राइट ना. आप समझ रहे हो कि 90 डिग्री है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, एक्स टू वाई एक्सिस डिफरेंस क्या है 90 डिग्री का, क्लियर. तो थीटा मैंने कंसीडर कर लिया कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है. हाँ सोचो, अगर इस एंगल को ट्रायंगल ओ ए बी कंसीडर कर लो, राइट ना.
If this angle is 90 degree, then side opposite to 90 degree is, you know that, hypotenuse, right now? Okay. If you want to find the all t ratios about angle theta, if you want to find the all t ratios about angle theta with respect to angle theta, okay. So side opposite to consideration angle is always perpendicular. Side opposite to consideration angle is always परपेंडिकुलर. हमने स्टार्टिंग से ही इस पॉइंट पर मैंने बार बार जोर दिया कि इन चीज़ों को आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो. मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ई वीकनेस की वजह से क्लास इलेवेंथ में भी पहुँचने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रह जाता है. इसीलिए मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा जोर देता हूँ कि जो भी एंगल चूज़ करो, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको टी रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, उस एंगल के जस्ट फ्रंट की जो साइड होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी. 90 डिग्री की अपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा, रिमेनिंग जो होगा वही बेस होगा. क्लियर? चलो, तो आपका बेस हो गया. ओके, चलो अब मैं इन क्वाड्रेंट को रिमूव कर देता हूँ. ये देखो, इनसे कोई मैटर ही नहीं, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे. क्लियर? अबाउट एंगल थीटा, साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर बेटा, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ओ. कॉस थीटा बोलू, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए ओ. सेक थीटा, ओ सॉरी टेन थीटा बोलू बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर ए बी, बेस आपका ओ बी, करेक्ट ना? अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक थीटा. अगर सेम एंगल पर है, सेम एंगल से है, तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा. इसको रेसिप्रोकल कर दूं, ए ओ अपन ए बी. कॉस का क्या होता है बेटा? सेक थीटा. तो ए ओ अपन ओ बी. एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, सेम एंगल, सेम कंसिडरेशन एंगल पर. कॉट थीटा ओ बी अपॉन ए बी. क्लियर? ओके ओके. इफ दिस एंगल इज थीटा, देन द रेफरेंस एंगल ऑफ दिस एंगल इज व्हाट? दिस एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा. करेक्ट ना? एंगल ए इज 90 डिग्री माइनस थीटा. हाउ? You know that the sum of all interior angle of triangle is 180 degree. If angle, okay, A, B and O, correct na? If angle O is theta, if this is a theta and angle B is a 90 degree plus angle A, correct? Okay, if you want to find angle A, then 180 degree minus 90 degree minus theta becomes 90 degree minus theta. Angle A is becomes 90 degree minus theta. Okay, note down. ये note कर लिया. For the difference of 90 minus theta, I want to find all trigonometric ratios with respect to 90 minus theta, this angle, angle A. If you want to find all t ratios about this angle, so the side opposite to chosen angle, your consideration angle is always perpendicular, and the remaining side is what? Hypotenuse, oh sorry, base. Hypotenuse always constant. In right angle triangle, hypotenuse always constant. ठीक है, वो change नहीं होता है, वो constant रहता है. बट परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन एंगल. करेक्ट नो? चलो देखो, अब मैं चूज करना चाह रहा हूं कि इस 90 माइनस थीटा के अबाउट फाइंड. अच्छा, 90 माइनस थीटा क्या है? एक पॉइंट यहां और समझना, एंगल बी क्या था? 90 डिग्री था. और एंगल ओ प्लस एंगल ए क्या है? इसका सम 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? यू नो दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज
180 डिग्री. इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन द सम ऑफ अदर टू एंगल इज व्हाट 90 डिग्री. सिंपल सी बात है कि अगर किसी त्रिभुज की एक एंगल क्या हो रहा है 90 डिग्री है तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा. अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि किसी भी ट्राइंगल्स का या किसी दो एंगल्स का सम, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल इज कॉम्प्लीमेंट. तो एंगल ओ और एंगल ए क्या हो गए बेटा, ए एंगल थीटा और एंगल ए क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, है कि नहीं. यही चीज़ें तो मैंने आपसे कहा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. हियर एंगल ओ, ओ मीन्स थीटा, थीटा प्लस एंगल ए इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके ओके ना. तो वी वांट टू फाइंड टी रेशियोज अबाउट 90 माइनस थीटा. तो मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा. अच्छा, इस 90 माइनस थीटा से कुछ घबराना नहीं है, ओनली थीटा है, साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर क्या बेटा, ओबी, ओबी अपॉन हाइपोटेन्यूज एओ, करेक्ट ना. ठीक है, इससे पहले आप जो थीटा के अकॉर्डिंग, हाँ जी यह देखो मेरे पास स्पेस कम है, चलो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ जो मैंने इरेज किया था. थीटा के अकॉर्डिंग आपने क्या फाइंड किया था, साइन थीटा की वैल्यू बताओ बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या था, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए. कॉस थीटा बोलो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका, बेस सॉरी ओ बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी बेस ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी. इसी का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता था, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए बी. सेक थीटा इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपन ए बी. समझ रहे हो, मैंने ये चीज़ें क्यों, अभी तो आपने थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड किया था, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये था, तो थीटा के अकॉर्डिंग मैंने जब टी रेशियोज फाइंड आउट किए थे तो ए थे, तो मैंने इसको शार्ट में नोट कर लिया. अब थोड़ा सा देखना, जब आपने 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग फाइंड किया तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ओ बी अपन ए ओ. अच्छा देखो देखो यहाँ पर देखो, ओ बी अपन ए ओ क्या है अकॉर्डिंग टू थीटा, ओ बी अपन ए ओ क्या है कॉस थीटा, ओ बी अपन ए ओ क्या है कॉस थीटा. इट मीन्स हम कहीं ना कहीं इसके प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, कॉस थीटा. तो आपको एक वैल्यू मिल गई क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, रिजल्ट क्या होता है कॉस थीटा. ये रिजल्ट होता है कि नहीं होता, नोट कर लेना इस चीज़ को. सेकेंड, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए. अच्छा, इस ए बी अपॉन ओ ए को देखो, तो ए बी अपॉन ओ ए आप देख रहे हो कि ए है, किसकी वैल्यू है ए बी अपॉन ओ ए. तो आपने कहा कि सर ए बी अपॉन ओ ए के प्लेस पे मैं राइट कर सकता हूँ साइन थीटा, क्या राइट कर सकता हूँ साइन थीटा. आपको रिजल्ट मिल गया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. क्लियर, ए नोट कर लो. क्लियर हुआ, देखो मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ लेकिन अभी तो ये क्लियर नोट कर लिया. चलिए इसी टाइप से मैं बात करूँ, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेटा ओ बी बेस, बेस ए बी. अच्छा ओ बी अपॉन ए बी देखो, ओ बी, ओ बी ये देखो, ओ बी अपॉन ए बी
OB अपन AB क्या है, cot थीटा है। इट मींस OB अपन AB के प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, cot थीटा। इसके प्लेस पर आप क्या राइट कर सकते हो, cot थीटा। आपको रिजल्ट मिल गया tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्लियर, ये डाउट क्लियर हुआ। चलो tan के बाद आता है cot, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot, ठीक है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है, ए बी परपेंडिकुलर ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी, हाँ ठीक है। अच्छा ए बी अपॉन ओ बी देखोगे तो कहाँ है, एट टेन में है। ए बी अपॉन ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, टेन थीटा। आपको रिजल्ट मिल गया कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर, क्लियर ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेन हो गया, कॉट सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या है बेटा, यहां से अगर एंगल ए की वैल्यू फाइंड करोगे तो 90 डिग्री माइनस थीटा ही तो है, तो 90 माइनस थीटा मैं फाइंड कर रहा हूँ इस एंगल की अकॉर्डिंग। 90 माइनस थीटा sec, इट मींस sec थीटा, sec थीटा बोलो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है, OA, बेस क्या है AB, OA अपॉन AB। अब OA अपॉन AB देखो कहाँ है, इसमें थीटा में, cos का किसका है, OA अपॉन AB, OA अपॉन AB देखो कॉसिक का है, सॉरी यहाँ पर है कॉसिक थीटा। तो इसके प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, कॉसिक थीटा। तो आपको रिजल्ट मिल गया सिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसिक थीटा। क्लियर हुआ, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट कॉसिक, कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसिक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इट मींस हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस ओए अपॉन परपेंडिकुलर ओ बी, ओए अपॉन ओ बी सर्च करो, ओए अपॉन ओ बी ए, ए तो ओए अपॉन ए बी की प्लेस पे आप क्या राइट कर सकते हो, सेक थीटा। इट मींस आपका जो फाइनल रिजल्ट हो गया कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बेसिकली ये हमने डिराइव भी कर लिया, अभी और थोड़ा सा डिटेल्ड करना था स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर टाइम नहीं है, तब भी हमने मिनिमम चीज़ें आपको समझा दी कि कैसे ये चीज़ें आती हैं और फाइंड आउट कैसे हुई। क्लियर हुआ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या था, थीटा का नेचर एक्यूट एंगल था, तो थीटा लेस देन 90, चूंकि ये पूरा 90 था तो उससे लेस है तो एक्यूट एंगल है। ए एंगल परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 चूज कर लिया, तो रिमेनिंग एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। उस 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हमने, चूंकि 90 माइनस थीटा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, ये देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, ये जो है सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। डन, सो योर फाइनल रिजल्ट बिकम चलो रिवीजन याद रखना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है नोट कर लिया। नेक्स्ट सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा एंड कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, क्लियर,
these are complementary angles, clear? नोट कर लो, we obtain these values of complementary angles. तो नोट कर लेना, लर्न भी माइंड में कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो लर्न करने की जरूरत ही है. चलो इन पर बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इवेल्युएट द फॉलोइंग. प्रॉब्लम नंबर वन, इवेल्युएट द फॉलोइंग. इवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर वन, कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में सबसे पहला आपको एक वर्क करना है कि ये जो एंगल्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, इन दोनों एंगल्स को ऐड करो, ऐड करने पे क्या रिजल्ट 90 आ रहा है. इफ 90 इज अ पॉसिबल सो वी अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल. सो वी अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल. तो आप देख रहे हो कि 53 और 37 ऐड किया हमने तो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है. इट मीन्स इस सिचुएशन में यू चेंज एनी वन न्यूमरेटर आर डिनोमिनेटर विथ द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, आप क्या करोगे, देखना आपने एक रिलेशनशिप अभी डिस्कस किया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है. इट मीन्स साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर कोरिलेटेड. क्या कैसे होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, एक दूसरे में कोरिलेट कर रहे होते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स, आप सब अपने माइंड में एक पॉइंट रखना कि सर किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे ही किसी एक को चेंज करेंगे तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सेम जैसे होगा कैंसिल होकर रिजल्ट आपका 1 मिलेगा. क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट वर्क आपका क्या है कि जो एंगल्स गिवन होंगी इनको ऐड करना. इफ एंगल इज 90 डिग्री देन यू अप्लाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल एंड यू चेंज ओनली वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. चूज ओनली वन, एनी वन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसी की हेल्प से हम कर सकते हैं, राइट ना. ओके, तो मैंने आपसे कहा कि साइन एंड कॉस थीटा कोरिलेट, टैन एंड कॉट थीटा कोरिलेट, सेक एंड कॉसेक थीटा कोरिलेट, ना एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन देखना. वी हैव कॉस 37 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री. देखना मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना. कॉस 90 माइनस क्या करूँ बेटा, 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 37 आए. आप सब कहोगे कि सर 90 डिग्री में अगर आप 53 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा. क्या जाएगा, 37 आ जाएगा. ओके, अपॉन साइन, देखो 90 माइनस 53, 37 अभी कोई चेंज नहीं किया तो साइन 53. एनी वन चेंज करना, एक को कांस्टेंट रहने देना. मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया, डिनोमिनेटर को एज वेल एज राइट कर लिया. क्लियर? अब आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या बेटा, थीटा है. फार्मूला ध्यान से सोचो कि फार्मूला क्या था. आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा. ध्यान से देखना बेटा, जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा यहाँ पर होगा. समझ पा रहे हो ना आप. इट मीन्स अगर यहाँ थीटा के प्लेस पे 53 है तो इसके रिजल्ट जो साइन थीटा आएगा उसके प्लेस पे भी 53 ही राइट करेंगे. तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन 53 अपॉन, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी साइन 53 है, साइन 53 डिग्री.
साइन 53, साइन 53 कैंसिल, आंसर बिकम 1. क्लियर हुआ? चलो नोट कर लो. सेकेंड प्रॉब्लम, साइन 41 डिग्री अपॉन कॉस 49 डिग्री, कॉस 49 डिग्री. ओके सॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ड इन बोथ को एंगल ऐड करो, गिवन एंगल्स जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उनको ऐड करो, 41, 49, 90. ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रूल अप्लाई होगा. इन केस ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यू कैन चेंज ओनली वन, किसी एक को चेंज करना, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. अब स्टूडेंट से मत करोगे न्यूमरेटर को भी चेंज कर दो, साथ ही साथ डिनोमिनेटर को भी चेंज कर दो, ऐसे सिचुएशन में रिजल्ट क्या होगा, फिर वही वही वेरी करता रहेगा, राइट ना? तो आप ये मिस्टेक मत करना. साइन 41 अपॉन कॉस 49 डिग्री. चलो इस बार मैं साइन को चेंज करता हूँ, न्यूमरेटर फर्दर मैंने वर्क किया, तो साइन 90 राइट करना. 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि 41 आ जाए, तो आपने कहा कि 90 डिग्री में अगर मैं 49 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूं तो न्यूमरेटर में 41 आ जाएगा. 90 माइनस 49 41. ठीक है, अभी कोई डाउट चेंज नहीं हुआ है. कॉस 49 डिग्री, तो आपको पता है फार्मूला पे आ जाओ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा. तो थीटा यहाँ जो रहता है वही थीटा कॉस में भी आता है, थीटा के पोजीशन पे क्या है 49 है, आपका रिजल्ट आ जाएगा कॉस 49 डिग्री अपॉन कॉस 49 डिग्री, कॉस 49, कॉस 49 कैंसिल, आंसर भी कम 1. ओके चल नेक्स्ट. प्रॉब्लम नंबर थर्ड, टेन 54 डिग्री अपॉन कॉट 36 डिग्री. 54 प्लस 36 90, तो आपने कहीं ना कहीं अप्लाई किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल, एनीवन कैन चेंज. वी हैव tan 54 डिग्री अपॉन cot 36 डिग्री. चलो इस बार डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, tan 54 एज वेल एज रहने दिया, cot राइट किया, 90 राइट किया. अब 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 36 आए, तो आपने कहा सर 54 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो tan 54 एज वेल एज, बट यू नो दैट टेन कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा है ना, तो क्या होता है रिजल्ट, टेन थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, थीटा की पोजीशन क्या है 54, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा टेन 54 डिग्री, 54 कैंसिल, आंसर भी क्या होगा, करेक्ट, नोट डाउन. कॉसेक 32 डिग्री सेक 58 डिग्री, 32 58 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल अप्लाई होगा. सॉल्यूशन, वी हैव कॉसेक 32 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनीवन, चेंज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एनीवन, तो हम न्यूमरेटर चेंज कर लेते हैं, कॉसेक 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें 52 आ जाए बेटा, 58 सब्ट्रैक्ट कर लूँ अपॉन
sec denominator as well as sec 58. Cosec 90 minus theta. Theta की position क्या है? 58. Cosec 90 minus theta, sec theta. तो sec theta के position पे 58 degree. Denominator as well as था. तो 58 कैंसिल. Sec 58, answer become 1. Answer क्या है? 1. हाँ, आगे बढ़ो. नेक्स्ट क्वेश्चन. चल प्रॉब्लम नंबर टू. इवेल्युएट द फॉलोइंग. इवेल्युएट द फॉलोइंग. फर्स्ट साइन 49, साइन 39 माइनस cos 51 degree. Student, this type problem you can also apply complementary angle rule. First we first work sum of this angle become 90 degree, 39, 51, 90 degree. If this angle is 90 degree, so we apply complementary rule. And you want to apply complementary rule, so in addition, subtraction and division, in such a situation you change only one part, numerator or denominator. In case addition, only one term, first term या second term. ठीक है, तो आप इस तरीके से समझना. दूसरी चीजें समझना, साइन का जो रिजल्ट होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है ना. तो साइन और कॉस कोरिलेट कर रहे हैं, तो जब भी ऐसे कोरिलेशन वाले टर्म्स आए अवेलेबल हो, तो आप उस सिचुएशन में किसी एक को चेंज कर लेना कोरिलेशन के टर्म्स. जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फर्स्ट रिलेशन. सेकंड, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. ओके, थर्ड रिलेशन, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. ये जो कोरिलेटेड टर्म्स हैं, इनमें आपको देखना है कि इन दो टर्म्स अगर गिवन हैं, सेक कॉसेक के टर्म्स हैं, किसी एक टर्म को चेंज करना, एडिशन के केस में हो, मल्टीप्लीकेशन सॉरी सब्ट्रैक्शन के केस में हो एंड डिवीजन के केस में हो. इन थ्री सिचुएशंस में, मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझ पा रहे ना. तो इन थ्री सिचुएशंस में आपको क्या करना है कि चेंज करने हैं एनी वन. तो ये चीज़ें आप देख लीजिए. तो एंगल्स ऐड किया, सम 90 भी हो रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रूल अप्लाई करेंगे. सॉल्यूशन भी है, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री, एनी वन चेंज. सो साइन 90 डिग्री में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 39 आ जाए बेटा? तो आपने कहा कि सर 51 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 39 आ जाएगा, एंड किसी एक को कांस्टेंट रख देना. तो आपने यूज़ किया है फार्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. थीटा, ए थीटा और ए थीटा सेम होते हैं, राइट ना. यहाँ जो रिजल्ट है रिजल्ट में आएगा. तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे 51, कॉस 51 डिग्री माइनस कॉस 51 ऑलरेडी है, तो कॉस 51 कैंसिल, आंसर बिकम 0. ओके, समझ गए होगे ना, अंडरस्टैंडिंग. किसी एक को चेंज करना बस, बट सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को ऐड कर लेना. आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कुछ 90 डिग्री से अबव हो ना, बट कंफ्यूजन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे करना चाहिए.
सेकंड कोसेक 25 डिग्री, कोसेक 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। आपने देखा कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। सेकंड पार्ट क्या है, sec है, तो किसी एक को चेंज करना। 25 और 65 90 होता है, तो किसी एक में चेंज ही करना है। सॉल्यूशन वी हैव कोसेक 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। चलो कोसेक को एज वेल एज रहने देते हैं, कोसेक 25 डिग्री माइनस इस पार्ट को चेंज कर देते हैं, sec 90 डिग्री माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, 65 आएगा, 90 में 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 65 आएगा। तो कोसेक 25 माइनस कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की पोजीशन 25, sec थीटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या है 25, कोसेक 90, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 25 डिग्री, ये और ये कैंसिल, आंसर भी कम जीरो। क्लियर हो गया? थर्ड पे आ जाओ, cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, 34 56 90 को, सॉरी यहाँ पे cot होना चाहिए, cot, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, एनी वन चेंज करना, cot, सॉरी we have cot 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 आ जाए, 34 तो 56 माइनस tan 56, एक को चेंज करना है, कांस्टेंट रहने देना इसको, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की पोजीशन क्या है 56, तो tan थीटा, tan 56 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, आंसर ये, यहाँ पे रीजन लिख देना, therefore cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर, नोट डाउन। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्थ, साइन 36, साइन 36 अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54, साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। देखो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म में साइन एंड कॉस है, साइन एंड कॉस को रिलेट करते हैं, 36 54 90, इस टर्म में किसी एक को चेंज कर देना, माइनस सेकंड टर्म में 54 36 90 होते हैं, साइन और कॉस में ही टर्म अप्लीकेबल है, तो किसी एक को चेंज कर लेना। ओके जी हाँ, वी हैव साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। यू कैन राइट साइन 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें, 36 आएगा तो 54 सब्ट्रैक्ट करने, अपॉन कॉस को एज वेल एज रहने दो, माइनस न्यूमरेटर ही चेंज किया मैंने, साइन 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको होगी 90 में 36 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 54 आएगा, अपॉन कॉस 36। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ माइंड में रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या सब्ट्रैक्ट करूँ,
क्या सब्ट्रैक्ट करने वाला, जब वर्ड यूज़ करूँ तो आप देखना डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वही हर समय सब्ट्रैक्ट करना होता होगा, ठीक है, वही चीज़ें करते हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों बताऊँ इसको, कि आप लोग थोड़ा सा माइंड यूज़ नहीं करोगे। चलो बट यहाँ देखना कि जब भी आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ 54 है तो 36 सब्ट्रैक्ट करोगे 54 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ना। मैंने क्या कहा था कि इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 19 डिग्री देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज व्हाट, 90 माइनस ऑफ एंगल ए, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 90 माइनस एंगल बी, इट मींस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। चलो तो यहां से आपका रिजल्ट हो गया कॉस 54 अपॉन कॉस 54 माइनस कॉस 36 अपॉन कॉस 36, ये कैंसिल हुआ वन और ये भी कैंसिल हुआ तो वन, वन माइनस वन आंसर बिकम जीरो, आंसर क्या हो गया जीरो हो गया। अब इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन को ऐसे मत करना, इनको इनको मल्टीप्लाई करना, इनको इनको मल्टीप्लाई कर ऐड वगैरह करने लगना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर लेते हैं ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स में भी बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने देखा है, तो आप सब ऐसा मत करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका है कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। देखो स्क्वायर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, स्क्वायर से मत घबराना, ठीक है, आप इसे चाहो तो ऐसे भी राइट कर सकते हो। वी हैव कॉस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, इसको आप राइट कर सकते हो कॉस 13 डिग्री स्क्वायर माइनस साइन 77 डिग्री होल स्क्वायर, चेंज कर लो कॉस 90 माइनस कॉस चेंज करना 77 13 90 हुआ, साइन कॉस को रिलेट करते हैं, एनी वन चेंज करना होगा किसी एक को, कॉस 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ लिखा होता है, तो 77 सब्ट्रैक्ट कर दो 13 आएगा, आता ही है, या तो आप सोच लो होल स्क्वायर माइनस किसी एक टर्म को एज वेल एज नोट डाउन कर दो, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या है बेटा स्क्वायर है, तो साइन 77 होल स्क्वायर माइनस साइन 77 होल स्क्वायर, तो देखो ये कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया जीरो, ठीक है। या आप एक स्टेप और इम्प्रूव कर देते, साइन स्क्वायर 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री, तब भी कैंसिल हो जाता सेम टर्म्स थे, नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर थ्री, कॉस 80 डिग्री फर्स्ट पार्ट, कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू सेक है, कौशिक है बेटा कौशिक 31 डिग्री, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं, किसी न किसी ईयर में इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, तो आप ये भी एक बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आपके किसी ईयर में पूछा गया है। सुनो एक बात और सुनो, मैंने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में अच्छा एक बात मैं यहीं से डिस्कस कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने आपसे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में कहा था साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन
cosec theta. This implies that sin theta into cosec theta is always 1. ठीक है, याद रखना. फर्स्ट सेकेंड थिंग देखना बेटा, मैंने आपसे कहा था कि cos theta अपॉन cos theta इज इक्वल टू 1 अपॉन sec theta. दिस इंप्लाइज दैट sec theta इंटू cos theta इज इंटू बेटा इंटू 1, प्रोडक्ट ऑफ दिस 1. सेकेंड पॉइंट भी माइंड में सेट रखना. थर्ड इज tan theta इज इक्वल टू 1 अपॉन cot theta एंड द प्रोडक्ट ऑफ tan theta into cot theta is always 1. This term को mind में रखना. If theta same, then the answer is always 1. If theta are same, then the answer is always 1. मैंने क्या कहा कि sin theta और cosec theta में अगर theta same है, उस situation में आपका result always 1 होगा. cos theta and sec theta में theta same है, theta same याद रखना. अगर मैं ऐसे कहूँ cos 56 डिग्री इंटू sec 32 डिग्री, ये ऑलवेज 1 नहीं होगा. ठीक है, ये कभी 1 नहीं होगा. थीटा सेम होना मैंडेटरी है, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, राइट ना. तो ये चीज़ माइंड में रखना, उसी का यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स. देखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इन एंगल्स को ऐड किया 90 आ रहे हैं, तो किसी एक को चेंज कर लो. ठीक है, इन दोनों एंगल्स को ऐड किया तो 90 आ रहा है, तो किसी एक को चेंज करना बस. चलो देखो, कॉस का कॉसिक का रिलेशन नहीं होता है, बट किसी एक को जैसे ही चेंज करोगे ना, तो रिलेशनशिप आपको इन टी रेशियो सॉरी रेसिप्रोकल रिलेशंस के प्रोडक्ट में दिखेंगे. वी हैव कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस कॉस 59 डिग्री इंटू कॉसिक 31 डिग्री. क्लियर, कॉस 90, एनी वन चेंज करो, 90 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो आप कहोगे 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 माइनस 10 80 होता है, तो सिंपल सी बात है, अपॉन साइन 10 प्लस कॉस, इसी को चेंज करते हैं. कॉस 90 डिग्री में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 59 आएगा, तो आप कहोगे सर 31 इंटू, इसको कॉन्स्टेंट रहने देते हैं, कॉसिक 31. क्लियर, तो आपका रिजल्ट cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के पोजिशन पे क्या है 10, साइन 10 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन 31 इंटू cosec 31. ध्यान से देखना, साइन थीटा इंटू cosec थीटा, साइन थीटा इंटू cosec थीटा, थीटा सेम है ना, तो आंसर ऑलवेज क्या होता है बेटा 1. तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 1, और ए भी क्या आपका 1, 1 प्लस 1, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा 2. यूज मैंने क्या किया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, दिख रहा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेम है. ओके, नो डाउन. नेक्स्ट cot 54 डिग्री अपॉन tan 36 डिग्री माइनस प्लस tan 20 डिग्री अपॉन cot 70 डिग्री माइनस 2. सिंप्लीफाई सॉल्यूशन 54, 36, 90, 20, 70, 90, एनी वन चेंज. फर्स्ट टर्म में एनी वन चेंज, सेकेंड टर्म में एनी वन माइनस टू, तो आपका नंबर है वो तो चेंज ही नहीं करना. चलो, वी हैव कॉट 54 अपॉन टेन 36 डिग्री प्लस टेन 20 अपॉन कॉट 36 माइनस टू. एनी वन इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एनी वन कैन cot 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो आप कहोगे डिनोमिनेटर जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट 36, क्या आएगा 54 आएगा अपॉन tan 36 डिग्री प्लस
टेन 90 डिग्री माइनस 70, 90 माइनस 70 20 होता है, अपॉन टेन यहाँ 70 होगा ना क्वेश्चन में, सॉरी कॉट कॉट 70 माइनस 2 तो आपका होगा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, टेन 36 अपॉन टेन 36 प्लस टेन 90 माइनस थीटा कॉट कॉट 70 अपॉन cot 70 minus 2, so answer become this one minus 2, 1 plus 1 and minus 2, so 2 minus 2 which is 0, kya aapka result ho gaya 0, note down. Two times tan 53 अपॉन cot 37 cot 37 माइनस cot 80 cot 80 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री, देखो 57 37 90 80 टेन 90 एनी वन चेंज ईस्टर में एनी वन और यहाँ भी इधर न्यूमरेटर और डिनोमेटर वी हैव टू टाइम्स नंबर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं 2 into tan 57 degree upon cot 37 degree minus cot 80 degree upon tan 10 degree. Okay, this becomes 2 into tan 90 minus 37. 57 होगा बेटा upon cot 37 minus cot 90 माइनस 10 डिग्री अपॉन 10 डिग्री 2 इंटू टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा तो कॉट 37 अपॉन कॉट 37 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा टेन 10 थीटा के प्लेस पे क्या 10 है अपॉन 10 डिग्री ठीक है ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ पूरा तो आ गया 2 माइनस वन तो आंसर क्या आ गया वन आंसर क्या हो गया वन नोट डाउन क्लियर आंसर वन आ गया एग्जाम में जो टर्म आप जो रीजन यूज कर रहे हैं हम उन रीजन को एग्जाम में मेंशन कर देना देयर फॉर करके ना ठीक है चलो फोर्थ sec 50 sin 40 sec 50 degree sin 40 degree plus cos 40 plus cos 40 cosec 50 degree cosec 50 degree ठीक है देखो sec चेंज करोगे तो आपका रिजल्ट किस में आएगा कॉसेक में आएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा वन होता है कॉस को चेंज करोगे तो क्या आएगा कॉस को चेंज करोगे साइन आएगा साइन एंड कॉसेक वन होता है ठीक है तो इन फार्मूलों को माइंड में रखना है इनको रेसिप्रोकल रिलेशंस के प्रोडक्ट को यूज करना है राइट ना इस सिचुएशन में देखो यहाँ पर 50 एंड 40 का रिलेशन 90 हो रहा है यहाँ भी 50 एंड 40 में 90 है तो जहाँ पर 90 बने उन टर्म में सिंगल टर्म चेंज करना होता है एनी वन चाहे वो मल्टीप्लीकेशन के केस में उस सिचुएशन में भी ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है राइट ना सो अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम हाउ कैन सॉल्व इट ओके देखो इन फार्मूलों को माइंड में रखना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है राइट ना सेक 50 डिग्री साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री कॉसेक 50 डिग्री डन डन एनी वन चेंज इन टू टर्म्स में एनी वन सेक 90 डिग्री माइनस 50 क्या आएगा 40 सब्ट्रैक्ट करने 50 आ जाएगा इनटू साइन 40 डिग्री एज वेल एज प्लस कॉस 90 माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करें 50 सब्ट्रैक्ट करें 40 आ जाएगा इनटू कॉसेक
50 डिग्री sec 90 माइनस थीटा sec 90 माइनस थीटा cos थीटा सॉरी cosec थीटा cosec थीटा के प्लेस पे क्या है 40 cosec 40 इंटू साइन 40 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन थीटा की पोजीशन पे 50 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री अब आप फार्मूला यूज करो cosec थीटा इंटू sec थीटा cosec थीटा इंटू sec थीटा साइन थीटा वन होता है तो ए आपका वन प्लस ए भी आपका रिजल्ट वन होगा तो आंसर क्या होगा बेटा टू आंसर बिकम्स टू नोट डाउन काफ़ी लेट हो गया है ना चलिए अब आगे का सेशन हम सेवेंथ लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कंप्लीट कर रहे होंगे ठीक है सेवेंथ लेक्चर में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट हो जाएगा देन 3 to 4 लेक्चर्स आपके होंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना उन पर बेस्ड होंगे देन उसके बाद हम लोग जो डिस्कस कर रहे होंगे हाइट एंड डिस्टेंस इट मीन्स 5 to 7-8 लेक्चर और इस चैप्टर से डिस्कस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट होगी कोशिश करेंगे कि किसी दिन एक दो वीडियो अपलोड कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हों ठीक है या हम टाइम को और ज़्यादा चेंज करेंगे 2 hours की वीडियो बनाएंगे या ठीक है देखो वीडियो बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट समस्या क्या होती है ना कि लास्ट में अपलोड करने में समस्या आती है तो आप समझना तो चलिए आप सब इस पूरे टॉपिक को देखिए समझिए यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इन चीज़ों को मैंने इसीलिए टू द पॉइंट स्टार्ट किया है टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कहीं भी मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं बीच में चेंज कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो मैं पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ ठीक है तो आप सब ज़रूर सॉल्व करिए अच्छे से पढ़िए और लगातार ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए 15 मार्क्स आपका श्योर है कहीं नहीं गया है 15 मार्क्स मेरी गारंटी इस ट्रिग्नोमेट्री पार्ट से इसके बाद हम आपको और थोड़ा फास्ट कराएंगे ना अलजेब्रा जल्दी होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइम नहीं लगेगा उन सब टॉपिक में टाइम नहीं लगेगा ये हम ऑफलाइन क्लासेस में इसको 1.5 months पढ़ाते हैं करीब 1.5 से 2 महीने तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं इसलिए मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि 11th में मैक्सिमम इस टॉपिक से रिलेटेड ही टॉपिक्स होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना नेसेसरी है ओके चलो चलते हैं आप सबको धन्यवाद नमस्कार